वेलकम दोस्तों, स्वागत है आरसी चैनल में। जानते हैं कि जब अब मौसम ख़राब हो जाता है तो बहुत सारा परेशानी होता है। तो मौसम में परेशानी होता है, क्या होता है कि जैसे कि आंधी तूफान बरसात ये सब होता है तो फुरफुटी और हमारा न्यूटन का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बताने वाले हैं कि ध्यान से देखते रहिए कि न्यूटन प्रॉब्लम चाहे फेज प्रॉब्लम उससे क्या बचे, कैसे क्या बचें और आपसे उपकरण कैसे बच जाएगा, जितने घर में लगे हुए हैं उपकरण कैसे बच जाएगा इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि बोर्ड है, आपका बोर्ड है और बोर्ड है कि यहाँ पर अगर पुल पे से वायर आ रहा है, फेज और न्यूटन आ रहा है, ठीक है, फेज और न्यूटन आ रहा है और बीच में फेज और न्यूटन आ रहा है और अचानक आपको लगता है कि फेज टूट गया, ठीक है ना, फेज टूट गया चाहे न्यूटन टूट गया, तो न्यूटन टूट गया तो यहाँ पर उसका न्यूटन टूट जाएगा तो जिसको यहाँ पर उपाय है, लेकिन आपका फेज टूट जाएगा तो फेज का उपाय नहीं है। फेज टूट जाएगा तो आपको फेज को वायर को पोल पर चढ़ कर वायर को ठीक कराना पड़ेगा। अगर न्यूटन टूट जाएगा तो न्यूटन टूट जाएगा यहाँ पर हम शॉर्टकट उपाय बता रहे हैं इस वीडियो में, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। उसके बाद से फुरफुटी होगा उसके बारे में इस वीडियो में हम समझाएंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेंगे कि यहाँ पर अर्थिंग के बारे में, अर्थिंग प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ये मानिए कि फेज वायर है, ठीक है ना, यहाँ पर फेज आपका वायर आ रहा है, ठीक है ना, ये जन्म कहते राइट साइड में हमारा फेज होता है, फेज आ रहा है, ये पूरा यही फैला हुआ है, ठीक है ना। और ये हमारा ये अर्थिंग क्या करेंगे, फटाफट एक अर्थिंग का पॉइंट हम डाल देंगे और न्यूटन बुझे के वायर बीच रास्ता में हमारा टूट चुका है, ऐसे टूट गया है। अब टूट गया है तो क्या करें, जैसे भी अपन न्यूटन को जोड़ेंगे, न्यूटन यहाँ पर जोड़ देंगे, न्यूटन यहाँ पर अर्थिंग में जोड़ेंगे, न्यूटन हमारा अर्थिंग में जोड़ेंगे, बिल्कुल आपको ध्यान होना, उसके बस जोड़ देंगे यहाँ पर बिल्कुल, ठीक है, जैसे कि फिर न्यूटन यहाँ पॉइंट आता है, कहीं से पॉइंट आता है, जैसे कोई भी बोर्ड में होता है तो एक फेज मेन वायर आता है कि नहीं आता है आप जन भी करते हो, वायर आता है तो क्या करेंगे वहाँ पर वायर को, पहले इसको यहाँ पर हम टेपिंग कर लेते हैं, टेपिंग यहाँ पर बिल्कुल कर लेंगे, टेपिंग कर लें, हो गया यहाँ पर टेपिंग हो गया, ये फेज और फेज और ये न्यूटन हमारा अर्थिंग में जुड़ चुका है और फेज यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर जिसे स्विच दबेंगे हमारा ये बोर्ड वर्क करने लगेगा, ठीक है, ये बॉल जल रहा है ना, दिख रहा है आपको सामने, ये बॉल जल रहा है, ठीक है ना, बॉल जल रहा है और वाइट भी बॉल यहाँ पर जल रहा है, ठीक, और हमारा ये ब्लू भी जल रहा है, ठीक, वायर जल रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको विश्वास नहीं तो हम चेक करके बताएंगे यहाँ पर, बिल्कुल अभ्यास देखिए, ये हमारा जैसे कि फेज हो गया, ये फेज हो गया वायर और ये हमें न्यूटन हो गया, फेज न्यूटन यहाँ पर हम जोड़ के दिखाते हैं आपको, बिल्कुल जलेगा, जल रहा है ना, जल रहा है बिल्कुल आपको जल रहा है, ठीक। अभी हो गया हमारा जैसे कि अर्थिंग का पॉइंट बीच में घबराता है तो इसका वर्क करेगा, बिल्कुल आपको ध्यान रखना, ठीक है, जैसे कि अर्थिंग पॉइंट मतलब जैसे कि न्यूटन का पॉइंट घबरा रहा है, जैसे न्यूटन पॉइंट घबरा गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूटन को वायर को काट देंगे, जैसे मैं यहाँ पर कटा हुआ था, उसके बाद अर्थिंग इसमें जुड़ा रहेगा, इसमें जुड़ेगा, इसमें खोलकर और इसमें सीधा हम यहाँ पर कस देंगे, ये वायर को इसमें जोड़ देंगे, आप बिल्कुल आपके घर में के जितना भी लाइट है सब जलने लगेगा, ठीक है, ये तो समझ गए। अब समझेंगे यहाँ पर फुरफुटी का, फुरफुटी होने पर क्या करेंगे, बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा, फिर प्रोसेस थोड़ा कुछ है अलग, ठीक है, यहाँ पर करते हैं और ये वायर को यहाँ पर हम छुड़ाते हैं, ठीक है, ये छुड़ा दिए। और फुरफुटी कैसे होता है, दोनों फुरफुटी कैसे होता है आपको ध्यान रखना होगा, फुरफुटी ऐसा होता है जैसे कि एक ही फेज में दोनों वायर में हमारा दोनों फेज बताए, ठीक है, दोनों वायर में दोनों फेज बताए, ये भी न्यूट्रल में चेक करते तो फेज बताए और फेज में चेक करे तो फेज बता रहा है, मैंने ये आपको याद रखना होगा, ये फुरफुटी ऐसे ही होता है, आपको ध्यान होना चाहिए, अगर किसी घर में वायरिंग करने जाते हैं तो फुरफुटी का आपको याद रखना चाहिए, फुरफुटी कैसे होता है कि दोनों वायर में हमारा चेक करेंगे तो हमारा फेज वायरिंग बताएगा। सबसे पहले हम अपना दस्ताना निकालेंगे, दस्ताना निकाल कर तब चेक करेंगे यहाँ पर हम फुरफुटी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम फुरफुटी इसको पहले हम इस बोर्ड को हम फुरफुटी करेंगे तो आप काम करने जाएगा तो यहाँ पर बिल्कुल समझ आ जाएगा कि कैसे यहाँ पर फुरफुटी होता है और उसके अनुसार कैसे काम करते हैं, आपको दिल को ध्यान रखना होगा, यहाँ पर फुरफुटी किया जाएगा उसके बाद यहाँ पर सोल्यूशन बताया जाएगा कि ऐसे फुरफुटी होता है तो ऐसे करने पर आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हम दोनों वायर को फुरफुटी करते हैं, सबसे पहले इस दोनों वायर को न्यूटन और फेज वायर को मैं यहाँ पर
फुटी करते हैं, दोनों वायर को यहाँ पर हम फोर फुटी कर देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान होना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम कर दिए, देखिए इसमें भी चेक करेंगे, इसमें भी चेक कर दे, यहाँ पर बता रहा है बिल्कुल आपको फेज बता रहा है, इसमें भी चेक कर रहे हैं, तो इसमें सब में चेक कर रहे हैं फेज बता रहा है, बिल्कुल आपको देख रहे हैं फेज बता रहा है, बिल्कुल फेज बता रहा है, यहाँ पर बिल्कुल फेज बता रहा है, फेज सब में बता रहा है। तो यहाँ पर हम इस 440 हो गया, बिल्कुल हर जगह चेक कीजिएगा, आपको जरूर बताएगा 440 होगा हर जगह, जहाँ जहाँ चेक कीजिएगा, फ्यूज हो चाहे न्यूटन हो, कहीं भी चेक कीजिएगा, हर जगह यहाँ फेज बताएगा, यहाँ पर पूरा वायर बताएगा, यहाँ पर चेक कीजिएगा टेस्टर से, आपको बत्ती जलेगा जरूर, बत्ती यहाँ पर भी जलेगा, यहाँ पर हर जगह बत्ती आपका जलेगा। तो उससे बचे अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो 440 हो चुका है, तो अब जनवे करते हैं 440 एक फेज होना चाहिए, एक न्यूटन होना चाहिए, यहाँ 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 पर ध्यान देना होगा, यहाँ पर फेज होना चाहिए और न्यूटन होना चाहिए, तब आपका ये बॉल कोई भी बॉल जलेगा, किसी बॉल को जलाएगा तो बिल्कुल आपका बॉल नहीं जलेगा। तो यहाँ पर एक ही उपाय है, क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम न्यूटन वायर को यहाँ पर बीच में बोर्ड में से काट देंगे, यहाँ पर मानते हैं कि हम बोर्ड को वायर को काटेंगे नहीं, यहाँ बोर्ड को छुड़ा देंगे, तो छुड़ा देते हैं, यहाँ पर आप काट दीजिएगा, आपको काटना होगा काट दीजिएगा, यहाँ पर काट दीजिएगा वायर को, यहाँ पर हम काट दिए, अब वायर काट दिए, तो अब ये हमारा तो जैसे कि ऊपर जो जैसे कि बोर्ड से आ रहा था, जैसे वायर हम काट दिए, जैसे वो आ रहा था, तब अब तो हो गया, अब तो यहाँ पर सिर्फ फेज आ रहा है, सब फेज आ रहा है, चेक कर लेंगे जिसमें फ्यूज में होगा उसी में वो फेज होगा। उस वायर को हम काट दिए, एक न्यूटन को काट दिए, और काटने के बाद क्या करेंगे यहाँ पर हम, और काटने के बाद क्या करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल वायर को हम जोड़ देंगे, जो अर्थिंग का वायर होगा अर्थिंग गाड़ देंगे, सबसे पहले अर्थिंग क्या करेंगे, एक तार छड़ लेंगे, छड़ लेकर उस छड़ को गाड़ देंगे, और जहाँ नमी होगा जैसे कल होगा चाहे कोई भी बाल्टी होगा वहाँ पर रखकर, और यहाँ पर वायर को हम जोड़ देंगे, आपको बिल्कुल आपका बॉल जलने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल आपको बॉल जलने लगेगा, ठीक है दोस्तों, आप समझ गए 440 चाहे अर्थिंग से कैसे वायर जाए, आप बिल्कुल समझ गए होंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ, ऐसे ही 440 होता है। मानते हैं कि पोल पर होता है, पोल पर एक ही वायर में दोनों वायर में सट जाता है, आंधी तूफान से जमीन करके होता है, ऐसे होता है। आप इस वीडियो को समझ गए, अगर समझ नहीं आता है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, दोबारा इस वीडियो को हम बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, धन्यवाद दोस्तों।